हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडियो चैनल। और बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अप टू क्लोरोप्लास्ट वी हैव सीन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वी हैव फिनिश्ड। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब इसे पढ़ने से पहले बेटा आप अपनी नोट्स ठीक है रिवाइज करेंगे फ्रॉम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर आपको पूरा आता है बेटा तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में बहुत कम ऐसी डिटेलिंग्स हैं जो बाकी रह जाएंगी। तो स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ सब यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब चलिए, जो आप प्रोकैरियोट्स में पढ़े हैं वहीं से याद करके ये चीज पहले लिखेंगे हम लोग कि जो आपका राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ रिबोसोमल आरएनए। आप इसे शॉर्ट में कह देंगे बेटा आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। तो अब इन दोनों को बेटा एक साथ पढ़ के देखो। जैसे ही आपने कहा आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, इसका मतलब हो गया कि राइबोसोम इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। राइबोसोम क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले इसे जिसने डिस्कवर किया था उनका नेम याद करेंगे हम, जॉर्ज पैलेडे। तो बेटा जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर किया था, मतलब आप राइबोसोम्स को बुला सकते हो एज पैलेडे पार्टिकल्स। हम लोग राइबोसोम को क्या बुलाएंगे बेटा? पैलेडे पार्टिकल्स। तो राइबोसोम आर ऑल्सो नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बेटा। जैसे ही आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज पैलेडे पार्टिकल्स, आप क्या आंसर करेंगे बेटा? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? पैलेडे पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हम ये याद रखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, आर आर एन ए प्रोटीन हो गया। कहाँ पे अकरेंस है? पहले तो कौन से टाइप के राइबोसोम्स यू कैरियोट्स में प्रेजेंट है? तो पहला राइबोसोम जो आप याद रखते हैं दैट इज ATS राइबोसोम। अभी ATS राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये याद रखेंगे हम। तो सबसे पहला ATS यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो मतलब उसका जो मेन अरेना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, वहाँ पे ATS प्रेजेंट रहेगा, राइट? तो आपका ATS राइबोसोम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? तो मेन अरेना में तो पहला आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ योर ER, ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ ER है, तो ER में RER के पास, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक और अकरेंस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बात हो गई हमारे ATS राइबोसोम की। दूसरा जो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा दैट इज 70S राइबोसोम। तो दूसरा राइबोसोम यहाँ पे कौन सा देखेंगे हम? 70S राइबोसोम। अब जो आपका 70S राइबोसोम है बेटा, 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन 70S राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन हमें याद आना चाहिए। 70S राइबोसोम में आपको क्या याद आना चाहिए बेटा? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। तो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन दो ऑर्गेनली का था हमारे पास, कौन कौन से थे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो दो ऑर्गेनली के नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया बेटा अकरेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम इन योर यूकैरियोट्स, ATS एंड 70S। ठीक है, कभी भी ये मत कहना कि सिर्फ ATS प्रेजेंट है। चलिए अब देखिए बेटा इनका कंपोजिशन एक बार देख लेते हैं। जो आपका ATS राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, और वो दो सब यूनिट कौन कौन से हैं बेटा? वन इज 40S एंड अनदर वन इज 60S। ठीक है, तो पहला कौन सा है बेटा? 40S, और दूसरा कौन सा है बेटा? 60S। अब जो हमारा 70S राइबोसोम है उसका भी कंपोजिशन रिपीट ही कर लेते हैं। तो जो आपका 70S राइबोसोम है, ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं।
तो यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? तो पहला 30s एंड अनदर वन इज 50s. अब देखिए बेटा, इन सब में से कौन सा स्मॉलर कौन सा लार्जर वो लिख लेते हैं. स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस वन इज लार्जर सब यूनिट. अगेन योर 30s इज स्मॉलर सब यूनिट एंड 50s इज लार्जर सब यूनिट. ठीक है, हमेशा याद रखेंगे बेटा जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो हो जाता है कैप शेप्ड. ठीक है, और आपका लार्जर सब यूनिट हो जाता है डोम शेप्ड. तो स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा बेटा कैप शेप्ड और लार्जर सब यूनिट हो जाएगा डोम शेप्ड. ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया. दोनों सब यूनिट्स ऐसे अलग अलग ही रहेंगे जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा. तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या लिखेंगे हम लोग? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ब्रैकेट में लिखिए, जब ऑप्टिमम मतलब बेस्ट Mg2+ कंसंट्रेशन है तब आपके दोनों सब यूनिट्स यूनाइट करते हैं. यूनियन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट. ठीक है, तो दोनों सब यूनिट्स बेटा कब यूनाइट करेंगे? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब आपका Mg2+ का कंसंट्रेशन कैसा है बेटा? बिल्कुल ऑप्टिमम. ठीक है, तो आपके यूनियन के लिए, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट के यूनियन के लिए विच मिनरल आयन इज रिक्वायर्ड? फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बेटा. तो इट इज Mg2+. तो फॉर द यूनियन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट कौन सा मिनरल आयन रिक्वायर्ड है? आप लिखेंगे बेटा Mg2+. वहाँ पे Mn के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉलिब्डेनम के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे. तो इट इज मैग्नीशियम. ठीक है, एक स्लाइड आगे चलते हैं बेटा. हमने यहाँ पे लिखा कि 70s राइबोसोम इज फाउंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सी, राइबोसोम इट्सेल्फ इज एन ऑर्गेनली, इट इज फाउंड इनसाइड अनदर ऑर्गेनली. तो क्या हम राइबोसोम के लिए बेटा ये बात लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स आर ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली? क्या लिखेंगे बेटा हम? ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली. दूसरी बात आप क्या याद रख सकते हैं बेटा? राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली. तो आपने दो जगह बेटा राइबोसोम्स को पढ़ा, एक पढ़ा आपने प्रोकैरियोट्स में और दूसरा आपने पढ़ा यूकैरियोट्स में. मतलब आपके प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम्स. तो हम इसी को कंक्लूड करते हैं बेटा, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में बेटा कौन सा राइबोसोम था? 70s एंड यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स में बेटा कौन से राइबोसोम थे? तो एक तो था 70s और दूसरा कौन सा था हमारा? 80s. ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे कह दीजिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री. कभी भी पूछा है बेटा खूब सारा प्रोटीन फॉर्म करना है तो हमारा कौन सा ऑर्गेनली मैक्सिमम होना चाहिए सेल के अंदर? तो इट इज राइबोसोम. तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है हमारे सेल की? दैट इज राइबोसोम. तो राइबोसोम बेटा फिनिश हो गया. चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्केलेटन पे, और उस स्केलेटन को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन. क्या कहते हैं बेटा हम लोग? साइटोस्केलेटन. अब एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा टॉपिक है बेटा साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटन ऑफ द सेल. किसका स्केलेटन है वो? सेल का स्केलेटन है. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो एक प्रोटीनिशियस फिलामेंटस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म.
फाउंड इन साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या होते हैं बेटा? साइटोस्केलेटन। तो जैसे स्केलेटन का फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है बॉडी का शेप मेंटेन करके रखना, उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। मान लीजिए ये हैंड है, इसके पास भी स्केलेटन है, तो मूवमेंट में हेल्प करना, लेग्स हैं मूव करेंगे, लोकोमोशन होगा। तो सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे जो फंक्शंस हैं आपके साइटोस्केलेटन के, दे आर सबसे पहला फंक्शन बेटा टू मेंटेन शेप ऑफ सेल, इट विल मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सेकेंड फंक्शन वो प्रोवाइड करते हैं बेटा मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। एंड द थर्ड फंक्शन दे हेल्प इन मोटिलिटी। किस में हेल्प कर रहे हैं बेटा? मोटिलिटी। तो देखो साइटोस्केलेटन जो है आपके वो प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कहाँ पाए जाएंगे बेटा? तो साइटोप्लाज्म में मिलेंगे हमें। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? दे कैन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्प्स इन मोटिलिटी। तो आ जाते हैं बेटा हम लोग साइटोस्केलेटन के टाइप्स पे। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। कौन कौन से तीन टाइप के साइटोस्केलेटन है बेटा? सबसे पहला इज माइक्रोटिब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो तीन साइटोस्केलेटन यहाँ पे सेल के अंदर दिखते हैं बेटा कौन कौन से? माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो बेटा क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। आपके जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं दे आर होलो स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अगेन होलो स्ट्रक्चर्स एंड योर माइक्रोफिलामेंट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट को छोड़ के बेटा बाकी के दोनों आर होलो स्ट्रक्चर्स। माइक्रोफिलामेंट्स कैसे हैं बेटा? सॉलिड स्ट्रक्चर्स। दूसरा पॉइंट जो हमेशा आप याद रखेंगे वो ये है बेटा कि आपके जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। ईच माइक्रोटिब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट अरेंज्ड एट पेरीफेरी। कहाँ पे हैं ये 13 प्रोटोफिलामेंट बेटा? पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। अब आप सोचोगे बेटा कि प्रोटोफिलामेंट क्या है? तो प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो यहाँ पे बेटा प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा? इट इज अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन विल यूनाइट टू फॉर्म प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट विल अगेन यूनाइट टू फॉर्म माइक्रोटिब्यूल। तो ये हो गया बेटा आपके माइक्रोटिब्यूल का स्ट्रक्चर। आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट पे। तो जो आपके माइक्रोफिलामेंट है बेटा दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन। सिर्फ हम क्या याद रख रहे हैं बेटा कि दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन, दैट्स इट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। और अगर बेटा हम एसिडिक प्रोटीन्स के कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन करके छोड़ते हैं, दैट इज कैरेटिन, ठीक है। अब इन तीनों में से बेटा जो हमारे माइक्रोटिब्यूल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे आपके सेंट्रोसोम का, सीलिया का एंड फ्लैजेला का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा दैट इज सेंट्रोसोम। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेंट्रोसोम। तो लिख देते हैं हेडिंग सेंट्रोसोम। ये सारे बेटा इतने छोटे छोटे टॉपिक से कि आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सेंट्रोसोम में जो पहला फीचर बेटा आपको याद रहना चाहिए, इसके पास भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो सीधी सीधी बात, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन लेस। अभी मेम्ब्रेन लेस है, बना हुआ किससे है, इसका कंपोजिशन क्या है? तो आपका जो सेंट्रोसोम है बेटा इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स।
अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसमें बेटा लाइन याद रखनी है हमें, कैसा अरेंजमेंट है सेंट्रियोल्स का, परपेंडिकुलर. ठीक है, दूसरी बात बेटा ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो दे आर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. अभी सिलिंड्रिकल होने के साथ साथ इन दोनों को हम साथ में क्या कहेंगे, अगर हमें बोलना है दो सेंट्रियोल एक साथ बोलना है बेटा आपको, ठीक है, एक साथ बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे, तो यू विल कॉल देम डिप्लोसोम. बोथ दी सेंट्रियोल टुगेदर दे आर नोन एज डिप्लोसोम. तो दोनों सेंट्रियोल को आप साथ में क्या कहेंगे बेटा, डिप्लोसोम. अभी अगेन आपके सेंट्रियोल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो डिप्लोसोम्स के पास भी वो भी हो गया मेम्ब्रेनलेस. आपके सेंट्रियोल्स मेम्ब्रेनलेस हैं तो डिप्लोसोम इज अगेन मेम्ब्रेनलेस, बट इट इज सराउंडेड बाय ईच सेंट्रियोल. सॉरी, फिर आप समझोगे कि डिप्लोसोम्स आर सराउंडेड बाय ऑल टुगेदर. हम लिखेंगे बेटा ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय एन अमॉर्फस सब्सटेंस, एन अमॉर्फस सब्सटेंस नोन एज सेंट्रोस्फियर, एंड दिस सेंट्रोस्फियर इज अगेन मेड अप ऑफ. आपका जो सेंट्रोस्फियर है ना, सेंट्रोस्फियर तो क्या है बेटा, एक अमॉर्फस सब्सटेंस, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने सेंट्रोस्फियर. बट दिस सेंट्रोस्फियर इज अगेन मेड अप ऑफ पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट. सेंट्रियोल की पेरीफेरी मतलब क्या बेटा, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट. ठीक है, तो यहां तक हमने बेटा सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया अभी तो सेंट्रोसोम का. अब मान लीजिए कि आपने यहां पे कहा बेटा कि इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स, तो अब हम देखेंगे बेटा एक सिंगल सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन. तो सिंगल सेंट्रियोल, इट वॉज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग कट करके देख रहे हैं. ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, अभी जैसे ही बेटा आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल दिया जाए, आप सीधा एक ही अरेंजमेंट याद रखेंगे, 9+0 अरेंजमेंट. देखो आपके मैक्सिमम एमसीक्यू बेटा यहीं से बन जाएंगे. तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बोल दिया मतलब 9+0 अरेंजमेंट. अब ये 9 है क्या बेटा वो समझते हैं हम. हमारी जो पेरीफेरी है, वहां पे प्रेजेंट है कितने, टोटल 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, टोटल 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, टोटल 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स. तो हमने क्या कहा इन्हें बेटा, इन्हें कह दो पेरीफेरल फाइब्रिल. तो टोटल कितनी फाइब्रिल हैं आपके पास बेटा, 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स हैं. थोड़ा सा इन्हें इवनली स्पेस कर लेते हैं. चलिए, अभी ये जो 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स हैं बेटा, ये सारी की सारी प्रेजेंट हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म में. मतलब ये सारे कैसे हैं, ट्रिपलेट है. तो हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा कि वहां पे प्रेजेंट है क्या, वहां पे प्रेजेंट है. इसे थोड़ा सा रब करके थोड़ा सा ऊपर लेंगे बेटा. यहां पे प्रेजेंट है 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट्स. यू कैन अगेन सी देर आर 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट्स. तो दो तरह से बताया आपने बेटा, एक आपने बोला कि 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स हैं, दूसरा आपने कहा बेटा कि वहां पे 9 पेरीफेरल क्या प्रेजेंट है, ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है. अभी हर एक ट्रिपलेट को हम लेबल करते हैं, ए बी सी. तो सबको ही आपने लेबल कर लिया बेटा ए बी सी.
ठीक है, तो ये तो हो गई बात बेटा पेरीफेरी की। अब वहां पे अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो अरेंजमेंट में देखो बेटा जीरो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? जीरो। तो जैसे ही आपने देखा वहां पे जीरो, इसका मतलब जो सेंटर है वहां पे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बट देयर इज अ प्रोटीनेशियस मास। सेंटर में क्या प्रेजेंट है बेटा? एक प्रोटीनेशियस मास। अब देखो ये जो प्रोटीनेशियस मास है, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। प्रोटीनेशियस मास इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन। दिस प्रोटीनेशियस मास इज कनेक्टेड टू ईच फाइब्रिल विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। किससे कनेक्टेड है बेटा? विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। तो यहां से अराइज होंगे बेटा टोटल 9 रेडियल स्पोक्स। काउंट करेंगे हम, कितने रेडियल स्पोक्स बनेंगे बेटा? 9 रेडियल स्पोक्स। तो ये तो हो गया बेटा सेंट्रल मास का कनेक्शन विथ ऑल द ट्रिपलेट्स। दूसरा क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो सी है और ए है, हम हर एक ट्रिपलेट को बेटा यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो हम ट्रिपलेट को लिंक करते हैं, तो सी को लिंक करेंगे विथ ए। किसे लिंक किया हमने? सी को लिंक किया विथ ए। हर एक जगह पे आप याद रखेंगे, आप सिर्फ सी को लिंक करेंगे बेटा ए के साथ। तो सी को लिंक करेंगे हम ए के साथ। तो कभी भी ऐसा नहीं कि इजी ड्राइंग करने के लिए हम ए से सी को लिंक कर दें। एक सीक्वेंस फॉलो करो, सी से ए को लिंक करो। तो ये हो गए लिंक बेटा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे लेबल करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने सेंटर में क्या ड्रॉ किया है? तो ये सेंटर वाला पार्ट इज हब। सेंटर में हमने क्या बनाया है? हब। हब इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज ट्यूब्यूलिन। वहां पे कोई फाइबर नहीं, सिर्फ मास है। अब ये क्या थे बेटा? हमारे ट्रिपलेट्स। कितने ट्रिपलेट्स हैं टोटल? वी नो 9, ठीक है। फिर ये क्या है? हमारे लिंकर्स। लिंकर्स हमने कहां से कहां बनाए बेटा? सी से ए। तो हम कह देंगे सी टू ए लिंकर। फिर हमारे डायग्राम में क्या दिख रहा है बेटा? ये ग्रीन कलर की लाइंस क्या है? ये हैं हमारे रेडियल स्पोक्स। तो आप काउंट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कितने रेडियल स्पोक्स हैं। तो टोटल 9 रेडियल स्पोक्स आर देयर। अब एक कहानी जो हमने आगे बताई बेटा, वो क्या थी हमारी? कि हमारे जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय एन अमॉर्फस सब्सटेंस। और नाम क्या है उस अमॉर्फस सब्सटेंस का? सेंट्रोस्फियर, विच इज अगेन मेड अप ऑफ पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो यहाँ पे हमें दिखनी चाहिए पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। ध्यान देना बेटा, हर एक ट्रिपलेट के पीछे यहाँ पे एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये हैं क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो हर एक ट्रिपलेट के पीछे बेटा आपके जो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, उन्हें आप कहेंगे पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो आप काउंट कर सकते हैं बेटा, अगर हर एक ट्रिपलेट के पीछे ऐसा एक पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट दिखेगा आपको, तो आपके पास टोटल पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कितने हो जाएंगे बेटा? तो वो हो जाएंगे आपके पास टोटल 9 पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल हो जाएंगे बेटा 9 पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम। फिर से एक बार बेटा, 9 क्या है आपका? 9 क्या है? 9 पेरीफेरल फाइब्रिल्स हैं विच आर इवनली स्पेस्ड। 0 क्या है बेटा? इट इज सेंट्रल हब। सेंट्रल हब में क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटीनेशियस मास विच इज अगेन कनेक्टेड विद ईच ऑफ द ट्रिपलेट विद द हेल्प ऑफ योर रेडियल स्पोक्स, एंड ईच ट्रिपलेट इज कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सी ए लिंकर्स। तो बिटवीन टू ट्रिपलेट्स देर आर लिंकर्स, बिटवीन हब एंड ट्रिपलेट इज योर रेडियल स्पोक, 9 पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। अब आपके सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के फंक्शन क्या होते हैं बेटा, वो देख रहे हैं हम लोग। तो आपका जो सेंट्रियोल है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल ऐसे लिखेंगे बेटा आप, फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। तो आपका जो सेंट्रियोल है बेटा, सेंट्रियोल का पहला फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज। स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज।
जो दूसरा फंक्शन होता है बेटा, अब ये स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप देखेंगे अपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की नोट्स, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे हम लोग कि यही स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज आर गोइंग टू हेल्प इन सेल डिवीजन। कहाँ पे रोल है इनका बेटा? सेल डिवीजन में। लिख देते हैं ब्रैकेट में सेल डिवीजन, ताकि हमें याद रहे। चलिए दूसरी चीज, आपका जो सेंट्रियोल है इट विल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या है बेटा? यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला का बेसल बॉडी क्या है बेटा? आपका सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला फंक्शन, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज। और दूसरा फंक्शन बेटा आपने क्या याद रखा? ये फॉर्म क्या कर रहे हैं? बेसल बॉडी ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आ जाते हैं सीधे बेटा हम लोग, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। तो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजेला। जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजेला की, तो याद रखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इन्हें डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला। देखो जो आपके सीलिया हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, वहीं आपके जो फ्लैजेला हैं दे आर लार्जर इन साइज, ठीक। सीलिया के जो नंबर हैं आर मेनी, जबकि फ्लैजेला इज 1-3 पर सेल। दूसरी बात बेटा, सीलिया कवर करता है पूरी सरफेस को, जबकि फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट सम लोकेशंस, एट सम प्लेसेस। कई बार वो कवर करता भी है, बट यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता है बेटा। चलिए दूसरी बात, यहां पे जो सीलिया है इट वर्क्स लाइक ओर्स, बोट की पैडल याद रखो बेटा, ओर्स। ओर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, आप बोट की पैडल याद रखिए। तो इट विल मूव सेल प्लस सराउंडिंग मीडियम, वो दोनों को मूव करेगा बेटा, रुक जाओ दो मिनट। तो सेल को तो मूव करेगा, साथ साथ में सराउंडिंग मीडियम को भी मूव करेंगे, जबकि फ्लैजेला जब मूवमेंट करवाएगा तो ये मूवमेंट करवाते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं। आपका सीलिया कैसे मूव करता है? ओर्स की तरह, ओर्स की तरह मूवमेंट मतलब कोऑर्डिनेटेड। बट आपका फ्लैजेला जो मूव करता है वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। तो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, जब भी मूव करेगा बेटा वो सेल और मीडियम दोनों को मूव नहीं करवाएगा, वो सिर्फ मूव करवाएगा सेल को, वो मीडियम को मूव नहीं करवाएंगे। तो जो आपके यहां पे आपने पढ़ा बेटा, कौन कौन से? सीलिया एंड फ्लैजेला का एक डिफरेंस देखा बेटा आपने। क्या डिफरेंस देखा हमने? देखो सबसे पहला आपने देखा साइज, तो स्मॉलर इन साइज कौन थे? सीलिया। आपके लार्जर इन साइज कौन है बेटा? फ्लैजेला, ठीक है। फिर किसके नंबर ज़्यादा थे? तो सीलिया के। किसके नंबर कम थे? 1-3 पर सेल था, तो वो था आपका फ्लैजेला। तीसरी बात आपने क्या देखी? पूरी सरफेस को कौन कवर कर रहे हैं? सीलिया, जबकि आपका फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट सम प्लेसेस। फिर हमने क्या देखा? कोऑर्डिनेटेड मैनर में कौन फंक्शन करते हैं? सीलिया, ओर्स की तरह फंक्शन करते हैं। इंडिपेंडेंटली कौन मूव करता है? फ्लैजेला। लास्ट थिंग, सेल और सराउंडिंग मीडियम दोनों मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जबकि सिर्फ सेल मूव होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। अब आ जाते हैं बेटा बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर पे। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं बेटा, क्या देखने वाले हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, जब भी देखो, मैं कोई एक लेती हूँ बेटा, ठीक है, चलो दोनों ही लिख देते हैं, सीलिया प्लस फ्लैजेला। दोनों का बेटा जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो बेसल बॉडी है, दोनों ही क्या है बेटा? हेयर लाइक आउटग्रोथ से विच कम्स आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन और इमर्जेस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो हमें तो कहां से बाहर आते हुए दिख रहे? सेल मेम्ब्रेन। चलिए
आप जो पूरा स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजिला को, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करिए बेटा. पहला पार्ट कौन सा? बेसल बॉडी. दूसरा पार्ट विच इज कोर ऑफ सीलिया, या हम अभी लिख लेते हैं फ्लैजिलम. फ्लैजिलम इज सिंगुलर, फ्लैजिला इज प्लूरल. सीलियम इज सिंगुलर, सीलिया इज प्लूरल. ठीक है, तो कोर ऑफ फ्लैजिलम जिसे आप कहेंगे एक्सोनिम. तो आपके पास बेटा यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? पहला है बेसल बॉडी और दूसरा है एक्सोनिम. ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट. तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन इन सेंट्रियोल, इट वॉज 9+0. जबकि एक्सोनिम का जो अरेंजमेंट है इट इज 9+2. तो एक्सोनिम का अरेंजमेंट कैसा है बेटा? 9+2. अब हम फिर से एक डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे जैसा हम लोगों ने आगे बनाया ना. यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया ना वैसा सेम डायग्राम हम लोग सीलिया फ्लैजिला के लिए नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिटेलिंग्स लिख लेंगे. तो ये जो 9+2 है बेटा, इसमें से 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं. लेबल करेंगे हम ए एंड बी. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे बेटा? ये 2 क्यों लिखा आपने? 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिज. तो एक ब्रिज होगा दोनों के बीच में. एंड कवर्ड बाय, दोनों को कवर करती हुई एक शीत है, कवर्ड बाय शीत. तो ये तो हो गया बेटा आपका 9+2 का डिस्क्रिप्शन. किसका डिस्क्रिप्शन हो गया? 9 एंड 2 का. तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट्स, वो वाला पार्ट हो गया डन. अब देखो, सेंट्रल सिंगलेट्स वर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज एंड कवर्ड बाय अ शीत. ठीक है, अब ये जो दो सेंट्रल सिंगलेट है ये डबलेट से कैसे कनेक्टेड है? तो दीज टू सेंट्रल सिंगलेट आर कनेक्टेड टू ईच डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक. तो फिर से बेटा, रेडियल स्पोक हमारे पास नंबर कितने हो जाएंगे? रेडियल स्पोक के नंबर हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा 9. तो रेडियल स्पोक हमारे पास कितने हो गए? 9. ठीक है, चलिए आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं बाद में, आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जब सब्जेक्टिव में पूछा है. फिर ये हो गई बात आपकी रेडियल स्पोक की. अभी डबलेट्स को कनेक्ट करते हैं. तो बोथ द डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. आप क्या लिखेंगे बेटा? डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिंकर. और यहां पे जो लिंकर है बेटा उसका नाम है ए टू बी. अगेन लिंकर का कंपोजिशन सिर्फ अलग है, तो यहां पे मेंशन कर लेते हैं हम नेक्सिन. लिंकर का कंपोजिशन बेटा क्या है? नेक्सिन. अब जो आपके डबलेट है वो तो कनेक्ट हो गए बेटा नेक्सिन से, नेक्सिन लिंकर बन गया. ठीक है, बट यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है बेटा, आपके जो डबलेट है, ईच डबलेट हैज टू आर्म्स एंड ये जो आर्म्स हैं बेटा दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन. कौन सा प्रोटीन है यहाँ पे? डाइनिन. और जो डाइनिन है वो एटीपीएज है. जब भी बेटा लिखा है एटीपीएज, इसका मतलब वो एटीपी का ब्रेकडाउन कर सकते हैं एंड जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे फ्लैजिला के या सीलिया के मूवमेंट के लिए यूज़ करेंगे. तो ये हो गया बेटा कंप्लीट आपका एक्सोनिम का डिस्क्रिप्शन. 9+0 बेसल बॉडी हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वो हमने यहाँ पे नहीं देखा है. ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसका है बेटा? एक्सोनिम का. ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे छोटे 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 टॉपिक्स को एक साथ पढ़ा. कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हमने देखा यूकैरियोटिक राइबोसोम, फिर हमने क्या देख लिया? साइटोस्केलेटन. फिर हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा सेंट्रोसोम एंड लास्ट में हमने देखा सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. तो ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इनको मार्क्स स्कोर करने के लिए हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं. तो जल्दी से रिवाइज करेंगे इतने टॉपिक्स को और प्लस एमसीक्यूज, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे एमसीक्यूज सही करके आएंगे. थैंक यू.